नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे। यह रेसिपी भारत का एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। सबसे पहले एक पैन में 2 चम्मच तेल डालें, उसमें 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर सोते करें। क्या आपको ब्रेड पकोड़ा पसंद है? इसे आप आसानी से बना सकते हैं। उसमें 1/4 चम्मच हींग डालें, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालें, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालकर धीमी आंच पे सोते करें। उसमें 2 उबले हुए आलू डालकर मैश करें। उसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर डालें। 1/2 चम्मच कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिलाएं। फिलिंग मिक्सचर रोस्ट को जाए तब उसमें हरा धनिया डालकर मिक्स करके 1 थाली में निकालकर ठंडा होने दें। घोल बनाने के लिए बाउल में 1 कप बेसन लेंगे, उसमें 1/2 चम्मच अजवाइन पाउडर, नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए पतला घोल बनाएंगे। दो ब्रेड स्लाइस के बीच में बनाया हुआ फिलिंग लगाएंगे। बनाया हुआ घोल में चुटकी भर बेकिंग सोडा, उसके ऊपर थोड़ा पानी डालकर मिक्स करें। उसमें 1 चम्मच गरम तेल डालकर मिक्स करेंगे। ब्रेड सैंडविच को घोल में अच्छी तरह रगड़ कर गरम तेल में मध्यम आंच पर डीप फ्राई करें। फ्राई हो जाए तब निकाल ले। ब्रेड पकोड़ा को बीच से काट ले और टोमेटो केचप के साथ परिवार के साथ मजे से खाए। ब्रेड पकोड़ा बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता है, इसे आप जरूर बनाएं।